अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सज्जाद अली बिदर। तो दोस्तों मैं भी हूं यहां पर बगदल ब्रिज। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर, आपको यहां की एक बिलखसूस एक बात मैं बता दूं, अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, अभी पानी यहां पर तालाब में कम है, नीचे का ब्रिज तो पानी में डूब जाता कभी भी, फिर भी ये दिन दुगने रात चौगुनी यहाँ पर आप देख सकते हैं काम जो चालू है, मछली पकड़ने वाले किस्तियाँ आपको दिखाई दे रही है सामने, वहाँ पर यहाँ पर जो साइड में जो आदमी है और वहाँ पर किस्तियाँ भी आप देख सकते हैं पानी में, दिन रात इसलिए पकड़ रहे हैं कि बारिश जैसे चालू हो जाएगी तो पानी ओवरलोड यहाँ पर भर जाएगा, जितनी हो सके उतनी मछलियाँ यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं और लारी आती है ऐसा ब्रिज चल रहा है जैसे गिर जाएगा, अभी उतना ख़तरनाक तरीके से चल रहा है, लारी को देख के आप देख सकते हैं लोडिंग लारी जब भी आ रही है यहाँ पर ब्रिज खतरनाक चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब बारिश अभी शुरू नहीं हुई, बारिश का शुरुआती मौसम है, अभी आप देख सकते हैं सुबह सुबह यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ये जो किस्तियों में आपको देख रहे हैं यहाँ पर आदमी, आप ये दिन रात की मेहनत कर रहे हैं, मछलियाँ इसलिए पकड़ रहे हैं कि जब बारिश हो जाएगी तो ये सारा का सारा इलाका पानी में डूब जाएगा। ये अभी बारिश की शुरुआत है, आप देख सक रहे हैं यहाँ पर एक कुआं है, ये कुआं भी पूरी तरह से गायब हो जाता है पानी में, उतना डूब जाता है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है और ये पूरा पानी जो है कैरंजा डैम को जुड़ा हुआ है, यहाँ से आ रहा कुत्तूर डैम से पानी, यानी कि तेलंगाना से आता है कुत्तूर डैम से पानी, आकर कर्नाटका कैरंजा डैम में जाकर के मिल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, सुबह का मौसम है, सुबह सुबह ठंडी सी हवा आ रही है और ये नदी का पानी जो तो आपको दिख रहा है, ये इससे कई गुना ज़्यादा पानी भर जाएगा बारिश में, और ये जो मछलियाँ होते हैं फिश पकड़ने वालों का इलाका होता है, आप देख सकते हैं बस इतनी स्पीड आ रही है, पूरा ब्रिज चल रहा है बस की स्पीड से, इतनी स्पीड जा रही है बस। तो दोस्तों ये जो है कितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, यानी कि पानी ओवरलोड होने से पहले पहले यहाँ की नदी के सारे मछलियाँ पकड़ने के लिए ये सब मेहनत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुत्तूर डैम से आता हुआ पानी सीधा जाएगा कैरंजा डैम, और ये पूरा जो आसपास का पूरे खेत खलियान जंगल है सभी के सभी पानी में डूब जाते हैं, इतना ज़्यादा पानी ओवरलोड होता है यहाँ पर। और इस तरफ ब्रिज के इस बाजू में आपको बताऊँगा मैं, ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है जो पहले वाला जो पुराना ब्रिज है ये पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, इतना ओवरलोड पानी भर जाता है, ये आसपास के पूरा इलाका डूब जाएगा, इतना ओवरलोड पानी होता है। तो इसीलिए मछली पकड़ने वाले लोग जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अच्छे अच्छे फिश यहाँ से पकड़ के खाली कर रहे हैं, जब ओवरलोड पानी हो जाएगा तो इनके फिश दूसरे इलाके में चले जाएंगे, क्योंकि इनके इलाके बटे हुए रहते हैं, ये इलाके में इनका होता है हिस्सा पकड़ने का, फिर दूसरे इलाके में दूसरों का हिस्सा रहता है मछली पकड़ने का, इसलिए ये जल्दी से मछली पकड़ ले रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, जैसे लहरी जाती है जैसे ब्रिज इस तरह से जंपिंग कर रहा है जैसे गिर जाएगा, और यहाँ पर ही ब्रिज थोड़ा सा डैमेज हो गया है, पता नहीं किसी ने एक्सीडेंट मार दिया यहाँ पर, पहले अच्छा था ब्रिज, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर बगदल ब्रिज जहाँ पर डैमेज हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई कार हो या कोई गाड़ी हो यहाँ पर ब्रिज को टक्कर मार के ब्रिज इतना डैमेज हो गया है यहाँ पर, पता नहीं कब हुआ, परसों परसों तक तो देखा था मैंने ब्रिज अच्छा था, अब ज़रा डैमेज हो गया है ब्रिज। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमसे मिलेंगे नई जगह नई वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय गाइज़।